और दोस्त, क्या हाल चाल? बिना तेरा टाइम वेस्ट करे मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा। आज का टॉपिक ही बहुत ही सीरियस मैटर पे है, तो आप इसको जरूर देखें। ये टॉपिक कोरोना वायरस से रिलेटेड है। जैसे कि हमको पता है कि कोरोना वायरस से अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की वर्ल्ड वाइड में मौत हो चुकी है, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। दुनिया में ड्रग्स को बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ये काम कंप्यूटर AI की हेल्प से करना पड़ता है। मैन्युअली अगर ये काम करेंगे तो एक ट्रायल एंड एग्जिट प्रोसेस होता है, तो इसको करने में काफ़ी टाइम लग सकता था। इसलिए हमारे साइंटिस्ट इसे AI की हेल्प से करते हैं। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही पावर की ज़रूरत होती है। अब ये पावर अभी, क्योंकि कोरोना वायरस तो एक नया वायरस है, इसका भी हमें पता नहीं है कि क्या प्रोटीन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो देख दोस्त, प्रोटीन फोल्डिंग्स का यूज़ करके हम नया ड्रग तैयार करते हैं, है ना? तो अभी एक वेबसाइट के बारे में मैंने पढ़ा, फोल्डिंग्स एट होम, ये 2008 से ही ड्रग्स पे रिसर्च कर रही है कंप्यूटर AI की हेल्प से, और उस सिमुलेट में हम ड्रग्स पे और वायरसेस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे इस वायरस के लिए एक ड्रग्स तैयार किया जाए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको इनकी वेबसाइट से एक ऐप डाउनलोड करनी है जो अप्रोक्स शायद 20 MB की होगी। आप उस ऐप को डाउनलोड करके आप जितनी भी अपनी CPU और GPU की पावर डोनेट कर सकते हैं आप कीजिए, आप दुनिया के काम आइए। और मैं इंडिया से कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में आगे आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक आपको इस बारे में पता होगा, क्योंकि विदेशों में तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से गिने नाम हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक इंडियन के नाते बताऊं आप क्या कर सकते हैं दुनिया के लिए और क्या आप बन सकते हैं। थैंक यू, आप अपना काम कीजिए, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।